नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल से जुड़े आपके क्या अधिकार हैं, कितने प्रकार के बेल होते हैं और क्या आप इस तरह की समस्या से का सामना कर रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस तरह की समस्या का सामना कर रहा है जिनका बेल आप कराना चाहते हैं और आपको कोई उपयुक्त व्यक्ति या संस्था नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में कम से कम आपको बेल होता क्या है और बेल से जुड़े आपके क्या अधिकार हैं निश्चित रूप से पता चल जाएगा। और यदि आपको बेल से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बेल से जुड़े सभी जानकारी इस रिपोर्ट में मौजूद है, तो आइए देखते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कई बार आरोपी कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करता है, कई बार अंतरिम जमानत की मांग करता है या फिर रेगुलर बेल के लिए अर्जी दाखिल करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमानत कितने प्रकार के होते हैं, जमानत दिए जाने का क्या प्रावधान है और कब और किन परिस्थितियों में जमानत मिलती है। सबसे पहला है जमानती अपराध। अपराध दो तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती, बिलेबल और नॉन बिलेबल। जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत जैसे मामले आते हैं। इस तरह के मामले में थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी थाने में बेल बॉन्ड भरता है, फिर उसे जमानत दे दी जाती है। गैर जमानती अपराध गंभीर किस्म के कुछ अपराध जैसे लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण आदि गैर जमानती अपराध है। इस तरह के मामले में कोर्ट के सामने तमाम तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत का फैसला लेता है। चार्जशीट न होने पर बेल का प्रावधान। चाहे मामला बेहद गंभीर ही क्यों ना हो, लेकिन समय पर अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करे तब भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। मसलन ऐसा मामला जिसमें 10 साल या उससे ज्यादा का प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। अगर इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 10 साल कैद की सजा से कम वाले मामले में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। रेगुलर बेल का प्रावधान जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग होता है, उस दौरान आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अदालत से जमानत की मांग करता है। ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस के मेरिट के आधार पर अर्जी पर कोर्ट फैसला लेता है। इस धारा के तहत आरोपी को अंतरिम जमानत या फिर रेगुलर बेल दी जाती है। इसके लिए आरोपी को मुचलका भरना होता है, जमानत के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। अग्रिम जमानत अगर आरोपी को अंदेशा हो कि अमुक मामले में वह गिरफ्तार हो सकता है, तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए धारा 438 सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। कोर्ट जब किसी आरोपी को जमानत देता है तो वह उसे पर्सनल बॉन्ड के अलावा जमानती पेश करने के लिए कह सकता है। जब भी किसी आरोपी को जमानत दी जाती है तो आरोपी को पर्सनल बॉन्ड भरने के साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि वह इतनी रकम का जमानती पेश करे। अगर 10,000 रुपये की राशि का जमानती पेश करने के लिए कहा जाए तो आरोपी को इतनी राशि की जमानती को पेश करना होता है। आखिर कौन होता है जमानती? जमानती आमतौर पर रिश्तेदार या फिर कोई नजदीकी हो सकता है। जमानती जब कोर्ट में पेश होता है तो कोर्ट उससे पूछता है कि आरोपी का जमानती क्यों बन रहा है, क्या वह उसका रिश्तेदार है या फिर दोस्त है। कोर्ट जब जमानती से संतुष्ट हो जाता है तब वह जमानती बॉन्ड भरता है। जितनी रकम वह जमानती रकम का वह जमानती है उस रकम का बॉन्ड भरना होता है और उस एवज में कोर्ट में दस्तावेज पेश करने होते हैं। इसके बाद कोर्ट जमानती का दस्तखत लेता है और आरोपी को जमानत देता है।
तो दोस्तों आपने बेल के ऊपर यानी जमानत के ऊपर यह पूरी विस्तृत रिपोर्ट देखी है। इस रिपोर्ट में हमने बहुत समय बहुत ज्यादा जमानती या जमानत शब्द का इस्तेमाल किया है। जिन लोगों को भी यह हिंदी का टर्म ना समझ में आ रहा हो उनके लिए मैं यह बता दूं कि जमानत और बेल दोनों एक ही चीज होता है। जमानत हम हिंदी में बोलते हैं, बेल इंग्लिश में बोलते हैं, और जमानती वो होता है जो बेल कराने के लिए बेल बॉन्ड भरता है, जो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया है। आपने समझ लिया होगा कि बेल से संबंधित आपको क्या अधिकार है, कब चार्जशीट नहीं पेश होगा तो आपको बेल मिलने का अधिकार बन जाता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो आप परेशानी का सामना कर रहे हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। अगर आपके पास प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, अगर बेल कराना हो तो हमारे संस्था से जुड़िए, बताइए, हम लोग जरूर आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।